वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो इसको तो हम लोगों ने कल समझ लिया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि जो फैक्टर्स हैं, जो जो फोर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस विच अल्टर द इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, मान के चलते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिसाइडेड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा था ना, पी प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे एक, ये तो इफेक्ट्स हैं एक, मैं वहां पे आगे डिटेल में आ जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन रैंडम मैटिंग। तो आप लोग आप लिख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नॉन रैंडम मैटिंग नहीं है, लेकिन नॉन रैंडम मैटिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जो इनब्रीडिंग, वो है। तो इनब्रीडिंग पढ़ने से समझने के लिए आपको नॉन रैंडम मैटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब जरा बताइए, हार्डी विनबर्ग में भी तो इसके रिगार्डिंग एक अजम्पशन था, एक कंडीशन ली थी कि पॉपुलेशन में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन व्हेन पॉपुलेशन इज ए रैंडमली मैटिंग। लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा था ना, पॉपुलेशन क्या करे, रैंडमली अगर मैटिंग करेगी तो वो कंडीशंस, आपको वो प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो हार्डी विनबर्ग, मतलब उस पॉपुलेशन में। तो अगर हम नॉन रैंडम की बात करें, तो आप बताइए, अगर कहीं पे नॉन रैंडम मैटिंग होगी तो क्या इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बना रहेगा? क्या हार्डी विनबर्ग की जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन? नहीं कांस्टेंट रहेगी, वो क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्टर हो जाएगी। तो आप पहला पॉइंट तो यही आ गया आपका कि नॉन रैंडम मैटिंग अफेक्ट इन ए वे इन विच एलील कंबाइंस। देखो, आपको पता है एलील के कंबाइन से बनता है जीनोटाइप्स, तो जो एलील का कंबाइन है वो भी, वो क्या हो जाएगा, अफेक्टिंग हो जाएगा। जैसे मैं, अगर मैं एग्जांपल के रूप में बोलूं, जैसे मान के चलते हैं एलील के कंबाइन को समझूं, तो पी और क्यू, और ये पी और क्यू, इनको एक एक इक्वल प्रोबेबिलिटी में अगर मैं कंबाइन करूं तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, ये पी क्यू बन जाएगा, ये पी क्यू बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बन जाएंगे, तो दो पी क्यू आ गए, एक पी स्क्वायर, यही तो था इक्विलिब्रियम। ये बात कब की होगी, जब हम बोले कि रैंडम मैटिंग। यहाँ पे लेकिन रैंडम मैटिंग तो नहीं है, कैसी है, नॉन रैंडम मैटिंग। तो नॉन रैंडम मैटिंग में क्या होगा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अल्टर कर जाएगी, अल्टर द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अल्टर व्हेन नॉन रैंडम मैटिंग। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ द नॉन रैंडम मैटिंग। दो तरीके से नॉन रैंडम मैटिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव SR2, दूसरी होती है निगेटिव SR2। क्या फर्क है इन दोनों में? अगर मैटिंग इस तरीके से होने लगे कि मैटिंग बिटवीन इन, आपको रिफर टू टेंडेंसी फॉर द लाइक इंडिविजुअल्स,
मतलब एक सिमिलर फिनोटाइप के इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग होने लगे, मतलब मैटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स या मैटिंग बिटवीन लाइक इंडिविजुअल्स दैट इज नोन एज पॉजिटिव SR2 मैटिंग। नेगेटिव SR2 मैटिंग क्या होगा? दिस इज ए मैटिंग रिफर टू अनलाइक इंडिविजुअल्स। अगर अनलाइक इंडिविजुअल्स के बीच में अगर मैटिंग होने लगे तो आपको नेगेटिव SR2 बोल दोगे, लेकिन ये दोनों चीजें, दोनों आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये नॉन रैंडम मैटिंग के ही पार्ट हैं। अब आती है जो आपके सिलेबस में है, वो है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को अगर हम समझें तो ये एक प्रकार से क्या है, पॉजिटिव SR2 मैटिंग। ये पॉइंट आप लिख सकते हो इन ब्रीडिंग में, पहला पॉइंट तो यही, दिस इज ए पॉजिटिव SR2 SR2 कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव SR2 मैटिंग, दिस इज ए पॉजिटिव SR2 मैटिंग, मतलब मैट बिटवीन जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल। तो लिखा भी तो है, इट इज ए प्रेफरेंशियली मैटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब मान के चलिए कि आप यहाँ पे लिख सकते हो जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल, जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल। अब बताइए जेनेटिकली रिलेटेड कौन से हो सकते हैं? जो फैमिली मेंबर्स होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, तो अगर मैटिंग फैमिली मेंबर्स, मतलब जैसे मान के चलिए जो जो सिबलिंग है या हाफ सिबलिंग है, या फिर इस तरीके से अगर मैटिंग होती है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इन ब्रीडिंग में रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या इन ब्रीडिंग से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या सच बनी रहेगी? वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ लिखा इन ब्रीडिंग कॉज द डिपार्चर फ्रॉम द हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इन ब्रीडिंग जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देगा, वो उसको एक प्रकार से जो इक्विलिब्रियम चल रहा होगा उसको अवे कर देगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप जरूर लिखिएगा जब इनब्रीडिंग से क्वेश्चन आए, अगर ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो मान के चलिए आपके नंबर कटने वाले हैं। तो दिस इज इनब्रीडिंग का जो इफेक्ट है, मैं अगर बात करूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इनब्रीडिंग, इंक्रीज द प्रोपोर्शनल ऑफ होमोजाइगोट। होमोजाइगोट मतलब मान के चलते हैं अगर कहीं पे इनब्रीडिंग होगी तो होमोजाइगोसिटी का परसेंटेज, होमोजाइगोसिटी का प्रोपोर्शनल उस पॉपुलेशन में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर होमोजाइगोट बढ़ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिक्रीज होगा, प्रोपोर्शनल ऑफ हेटरोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आया है, नहीं आया बोलो? यस सर। किसको किसको समझ में आया? अगर ना आए तो मैं उसका थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ, मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है अगर आप समझे। देखो मान के चलते हैं, अगर कोई मान के चलते हैं ये बीमारी वाला कोई म्यूटेंट एलील है स्मॉल ए, जिसके कारण कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी रेसेसिव है। अब बताओ अगर कोई ऐसी मैटिंग हो जाए इस तरीके से, तो ये मैटिंग कैसी हो गई? दिस इज नॉट ए इनब्रीडिंग, क्योंकि इनब्रीडिंग तो नहीं है ना। तो जरा बताइए इनके बच्चों में कोई भी प्रोजेनी डिफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि ये एक रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, ठीक है। मान लो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं हेटरोजाइगस, अब हेटरोजाइगस की अगर किसी की शादी ऐसे पर्सन से हो जाए तब भी यहाँ पे सभी आल कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। बोलो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके से हो जाए, इसको बोलते इनब्रीडिंग। अब ये जेनेटिकली रिलेटेड हो गए ना, दीज आर बोथ आर हेटरोजाइगस। अब बताइए यहाँ पे 1/4 में ऐसा होगा कि एक बच्चा ऐसा हो सकता है ना, बोलो 1/4 ऐसा भी तो चाइल्ड हो सकता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इनब्रीडिंग यहाँ पे होगी, वहां पे हेटरोजाइगोसिटी बनने के, सॉरी होमोजाइगोसिटी का परसेंटेज बढ़ेगा,
जैसे मान के चलते हैं आप कंसेप्ट एक याद करिए मेंडल का, अगर हम इसकी सेल्फिंग करा देते हैं तो 25% स्मॉल आ स्मॉल आ रहा आ जाएगा ना, आ जाएगा बोलो, आ जाएगा, ये बात समझ में आता है? तो जरा समझने की कोशिश करिए। तो देखो दोनों पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल, क्योंकि ये भी नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा? नॉर्मल इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद डोमिनेंट एलील कम से कम एक नॉर्मल एलील है, ये भी नॉर्मल होगा, क्योंकि इनकी शादी जो हुई है वो कैसी हुई, इनब्रीडिंग। तो 25% बच्चा क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है उस कंसर्निंग जेनेटिक डिसऑर्डर से, क्योंकि ये एक इनब्रीडिंग है। तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि इनब्रीडिंग, अगर मैं इसे लिंक करूँ, ध्यान समझिएगा, इनब्रीडिंग क्या कर सकता है, इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। अब जरा ये बताइए, मुझे एक कमेंट करके बताओगे आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप लोग पकड़ पा रहे हो, कोई भी रेसेसिव एलील का इफेक्ट कब होगा, जब तक वो होमोजाइगस में ना हो, बात सही है ना? मतलब रेसेसिव एलील, अगर कोई म्यूटेंट रेसेसिव एलील है या कोई रेसेसिव कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है रेसेसिव एलील के कारण, उसका इफेक्ट कब होगा, जब ऐसे पर्सन होंगे ना, कैसे हों, इस तरीके से हों, या कोई रेसेसिव लीथल एलील, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसको होगी, जो पर्सन क्या होंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एलील। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, क्या बात है, सुनाई नहीं पड़ रहा आज, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पढ़ रहा है सर। तो अरे बीच बीच में कह दो यस वस तो लिखा रहे करें, कम से कम लगता रहे कि हाँ कि क्लास चल रही है, यस नो जो भी हो, थोड़ा एक्टिव मोड में रहा करो। तो मैं किस पॉइंट पे थे, हाँ, सिकल सेल एनीमिया किसको होगी, जो होमोजाइगस फॉर, होमोजाइगस फॉर सिकल सेल होगा ना, बोलो जरा, यहाँ तक समझ में आया? तो ये बताइए, जब होमोजाइगोसिटी जब बढ़ेगी, तो वो जो रेसेसिव डिसऑर्डर हैं किसी पॉपुलेशन में, रेसेसिव डिसऑर्डर हैं, जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एलकैप्चोन्यूरिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये लीथल डिसऑर्डर है, वो जो भी रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ेगा, उनकी उनके उनके डिसऑर्डर का परसेंटेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये डिसऑर्डर हमेशा होमोजाइगस के केस में ही आते हैं। जब होमोजाइगोसिटी का परसेंटेज बढ़ेगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर की इंसिडेंस बढ़ेगी, बोलो यस आर नो, बढ़ेगी ना? मान के चलिए कोई ऐसे मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं जो बोथ पर्सन सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर हैं, तो बताइए 1/4 चांस हो सकता है कि वो उसकी चाइल्ड जो है होमोजाइगस पर रेसेसिव एलील। तो बताइए, जब इस जेनेटिक डिसऑर्डर की इंसिडेंस बढ़ेगी, इसी को बोलते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जरा आप बताइए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आया? हालांकि ये टर्म बड़ा अजीब है कि डिप्रेशन हो जाता है ना, इसको ऐसे समझिए जरा। अब हम आते हैं पॉइंट पे, जो हम समझा रहे थे उसको समझिए जरा, क्या है इनब्रीडिंग। तो आपके सिलेबस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन मेंशन है, अगर क्वेश्चन कल आ जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, देखो ध्यान से समझिए जरा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मैं समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने आपको नॉन रैंडम मैटिंग बताया, फिर इनब्रीडिंग बताया, अब इनब्रीडिंग का इफेक्ट क्या है वो समझ लेते हैं। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ रेसेसिव लीथल या डेलेटेरियस ट्रेट्स, या कोई हार्मफुल ट्रेट है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, या कोई रेसेसिव लीथल है, उसकी अपीयरेंस, उसका फिनोटाइप अगर पॉपुलेशन में बढ़ता है, कि बढ़ता क्यों है, ड्यू टू द इनब्रीडिंग, विद इनब्रीडिंग, दिस टर्म इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बताइए किसको किसको समझ में आ गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन? मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, तो आप जान तो क्या बोलोगे, सर इनब्रीडिंग के केस में होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ने के कारण
जो रेसेसिव लीथल हैं उनकी भी होमोजाइगोसिटी बढ़ सकती है, और जो रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो भी होमोजाइगस की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं उसकी जो अपीरियंस है वो बढ़ जाती है। इस फिनामिना को बोलते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इज ए क्लियर? इज ए क्लियर? समझ में आया? चलो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में कोई रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपने सुना होगा जेनेटिक काउंसिल भी होती है ना, अब बीआईपी लोगों में होती है, यहाँ पे गांव वाँव में कुछ नहीं होता। जेनेटिक काउंसिल के मदद से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप लोग अपनी शादियां जितना दूर दूर से करा सकती है गया उतना आपको फायदा होगा, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलते आपके फैमिली के मेंबर में कुछ ऐसे लोग हैं हेटरोजाइगस फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर वो शादियां रिलेटेड मतलब अपने ही फैमिली में या फैमिली के ही मतलब अगर बहुत सारे परिवार हैं वो सब एक ही खानदान बोलते हो ना जिसको, उनमें अगर शादियां होती तो बताइए ये एक केस बन सकता है ना कि कोई शादी ऐसे हो जाए तो फिर उस डिजीज की अपीयरेंस बढ़ जाएगी। बोलो जरा, बोलो बोलो ना, इसको क्या बोलते हो? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जेनेटिक काउंसिल में क्या बोलते हैं कि आप शादी दूर से कराओ, दूर से हो, अनरिलेटेड में हो, दूसरे, आप देखो आपको पता होगा ना हमने हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही दूसरे खानदान से क्या होता है कि दूसरे अनरिलेटेड में होते हैं ना शादियां, उसका भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रूफ है कि जेनेटिक डिसऑर्डर के अपीयरेंस की टेंडेंसी कम हो जाती है। मान लीजिए दूसरे यहाँ करोगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि आप फैमिली कैरियर है, बाहर थोड़ी कैरियर होंगे, तो बताइए यहाँ बच्चों में डिजीज की अपीयरेंस नहीं मिलेगी, मतलब एक हेटरोजाइगोसिटी की कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया सभी को? अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इनब्रीडिंग मैरिज इनब्रीडिंग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना अगर कोई रेसेसिव डिसऑर्डर है। चलो आगे की बात करते हैं। इनब्रीडिंग इज मोर लाइकली टेक प्लेस इन नेचर। देखो ऐसा होता है कि बात समझने की कोशिश कर, देखो ये कोई ह्यूमन पे तो अप्लाई हो ही जाएगा। देखो ह्यूमन अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है कि वो वहाँ सोसाइटी में किस तरह का मैसेज है, ठीक है, लेकिन आप सोसाइटी को साइंस के साथ थोड़ा सा टकराव तो होता ही रहता है ना इस तरीके से, तो अगर फैमिली में शादियाँ होंगी तो इनब्रीडिंग होगा, लेकिन मैं बात नेचर की कर रहा हूँ। नेचर मतलब अब नेचर में केवल ह्यूमन नहीं आएंगे, ये वाइल्ड लाइफ की बात हो गई। देखो वाइल्ड लाइफ की बात हो गई, मेरी बात को समझिए, वाइल्ड लाइफ मतलब होता है जैसे जो एनिमल की बात कर रहे हैं। अगर हम नेचर में चले जाते हैं, अगर कहीं पे पॉपुलेशन साइज कम होता है, ध्यान समझिएगा, पॉपुलेशन साइज अगर कम होता है तो आपको पता होना चाहिए इनब्रीडिंग मोर कॉमन हो जाएगी, मोर लाइकली इनब्रीडिंग हो जाएगी ड्यू टू द स्मॉल या नंबर ऑफ मेट्स इज लिमिटेड। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, इनब्रीडिंग मोर लाइकली हो सकती है नेचर में अगर पॉपुलेशन साइज क्या हो, वेरी स्मॉल हो। क्या हो? वेरी स्मॉल हो। देखो अगर कोई पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगी ना तो एक चांस बन सकता है कि हेटरो हेटरो के बीच में एक क्रॉस हो जाए या मैटिंग हो जाए, जिसके कारण वो बीमारी के अपीयरेंस की टेंडेंसी बढ़ जाए। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, तो मैं हमारे दिमाग में एक पिक्चर ये बनना है कि फिर नंबर आप जो मेट है ना वो अनलिमिटेड हो गए। मैं अगर कैसे समझाऊं, मैं आपको समझ पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ, मैं जो कह पा रहा हूँ पता नहीं आप लोग पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो फर्क होता है बच्चों, अगर पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, कुछ ही मेंबर है तो भैया नंबर आप हेट भी तो लिमिटेड हो गए, तो उन्हीं में से तो मैटिंग होगी। बहुत लार्ज पॉपुलेशन साइज की होती है तो जानते हो क्या होता है, फिर रैंडमली होता है, मतलब मान के चलिए कि चांस बहुत कम होता है कि रिलेटेड के बीच में मैटिंग हो जाए। ये बात समझ पाया सब लोगों ने? समझ पाए? देखो ये एक, एक 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 क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक एक आउटकम है जो स्मॉल पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग का इफेक्ट देखा गया। चलो एक काम और करते हैं, जरा और समझ लीजिए, ये फिगर समझ लीजिए, वो ध्यान से समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में। हमने क्या किया है, यहाँ पे रखा है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है, मैं बताना चाहूंगा इनब्रीडिंग के कारण जेनेटिक वेरिएशन भी कम हो जाते हैं, इनब्रीडिंग रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कहीं पे। और इस पॉइंट को लिखने के बाद इस ग्राफ को जरा समझे ध्यान से, पर जनरेशन टू जनरेशन। अब जरा ये बताइए, मैं देख पा रहा हूं
एक इस तरीके की मैटिंग हो रही है और एक हो रही है दूसरे तरीके, मतलब तीन तरीके की मैटिंग है। मैं ए बी सी बोल दूं, ए बी सी बोल देता हूं, देयर इज ए वन टाइप ऑफ मैटिंग, ए बी टाइप ऑफ मैटिंग और सी टाइप ऑफ मैटिंग। जरा मुझे कमेंट करके बताओ किस मैटिंग टाइप में जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही हाई रेट से डाउन हो रही है पर जनरेशन। पर जनरेशन जेनेटिक वेरिएशन लॉस वेरी वेरी हाई रेट या एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू द जनरेशन, कौन सी मैटिंग में है? आप जरा कमेंट करके बताएंगे। ए में ज्यादा हो रहा है, ए तो आप उल्टा सोच रहे हो। देखो देखो जरा ध्यान से, अगर हम सभी में 100% ले लें, दिस इज ए, आप वाई एक्सिस को ध्यान से नहीं देखा, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल जेनेटिक वेरिएशन रिमेनिंग। मैं देख पा रहा हूँ सी में आपको फिफ्थ जनरेशन तक आते आते केवल केवल मान लीजिए केवल 5% ही आपको वेरिएशन बचा है। देखो ध्यान से, तो स्पीड जो रेट है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन वो सी के साथ है ना। आप लोगों ने ये पॉइंट पकड़ लिए, पल्लवी पल्लवी सी के साथ है ना। जो लोग ए के साथ थे बी के साथ थे वो अपना कमेंट बोलें। यस बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये है सिबलिंग मैटिंग, ये है मतलब जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते हो वैसे मैटिंग बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड, और जैसे जैसे इधर के जलप चले जाते हो वैसे वैसे मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड। तो मेरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, जितना क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में मैटिंग होगी उतना जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ज्यादा लॉस होगा टुवर्ड द जनरेशन। मतलब मान के चलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ही मोर फ्रिक्वेंट ही मिलेगा आपको। अब जितना अनरिलेटेड में होगा, जैसे मैं हालांकि ये भी एक प्रकार से रिलेटेड में है लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कंपेयर में यहाँ पे, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट ह्यूमन में अप्लाई नहीं करेंगे, ये प्लांट के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है? सबके साथ नहीं आएगा, ठीक है? सिबलिंग मैटिंग आपको ह्यूमन के साथ अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इन ब्रीडिंग का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिला, तो आपका आंसर होना चाहिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इन ब्रीडिंग का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिला, वो आपका आंसर होना चाहिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इज इट क्लियर? तो आप जरा इसके नीचे फिगर को देखिए क्या लिखा है, डिक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज ए फास्टर द ग्रेटिंग द इनब्रीडिंग। जितना ज्यादा इनब्रीडिंग होगी, जितना ज्यादा का मतलब जानते हो क्या हुआ यहाँ पे, जितनी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड के बीच में मैटिंग होगी, मोर क्लोजली मोर इनब्रीडिंग, लेस क्लोजली लेस इनब्रीडिंग, ऐसे भी कह सकते हो। इज क्लियर? मैं आगे बढ़ूं, आप लोग बताते रहिए क्योंकि मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता रहूं। चलो अगर आपको ये एक कंसेप्ट है, आपको बना लिखना नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहा हूँ। हालांकि आपको बस समझना है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, लेकिन मैं आपको वाला डिस्कस ना करके मैं आपको प्रूव कराना चाहता हूँ कि होमोजाइगोस्टिक कैसे बढ़ती है। ध्यान से समझिए जरा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे 1/4 ये है, 50% ये है, मतलब आपको ये हो गया 1/2, और ये है 1/4। ये 1 से लेकर के हम चले जाते हैं इनफाइनाइट मतलब, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5 चले गए, लेकिन कंडीशन क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जरा बताइए किसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी, होमोजाइगोट की फ्रिक्वेंसी 50% हो गई, और इस होमोजाइगोट की फ्रिक्वेंसी 50% हो गई, और हेट्रोजाइगोट बिल्कुल गायब ही हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरेशन होमोजाइगोसिटी इंक्रीजिंग व्हाइल
हेटरोजाइगोसिटी डिक्रीजिंग। ये बात भी समझ में आ गया सबको, बता चुका हूँ पॉइंट में पहले ही मैं आपको, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर लिया, बस खाली उसको प्रूव करना आना था। अब कोई कहे सर इसको पूरा न्यूमेरिकली बता दो, तो न्यूमेरिकल वाला आपको कंपटीशन में पढ़िएगा, जरूर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, अब हम आते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन ब्रीडिंग कोफिशियंट। इन ब्रीडिंग कोफिशियंट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, जब आप इन ब्रीडिंग लिखोगे ना तो कोफिशियंट भी लिख दीजिएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हैज टू आइडेंटिकल एलील फॉर गिवन जीन्स। मतलब इनब्रीडिंग कोफिशिएंट वो कहता है कि दो इंडिविजुअल जिनके बीच में इन मैटिंग हो रही थी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके पास कि आइडेंटिकल एलील हो, दो आइडेंटिकल एलील हो, इसको बोलते हो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। डिफिनेशन समझ में आया? जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये एक मैटिंग हो गई, तो देखिए जरा यहाँ पे 100% आइडेंटिकल एलील्स है ना, अगर मैं ऐसे कर दूं ध्यान दीजिए, तो मुझे लग रहा कि 50% आइडेंटिकल एलील्स हैं। इस चीज को समझ गए सभी लोग, प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल हैज टू आइडेंटिकल एलील। देखो जब तक दो जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में आइडेंटिकल एलील नहीं होगा, तब तक हम इनब्रीडिंग कैसे मान सकते हैं? इनब्रीडिंग मतलब होता है कुछ ना कुछ तो आइडेंटिकल एलील होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में रेंज करेगी। 0 मतलब होता है कि एक भी आइडेंटिकल एलील नहीं है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ पे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी, जरा बताओ। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, जल्दी बताइए। शिवाली, अच्छिता, बड़े बड़े धुरंधर लोगों, बताओ जल्दी से। जीरो होगी ना, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिकल एलील मैच नहीं कर रहा, जीरो होगी। तो जीरो मतलब होता है कि यहाँ पे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जीरो है, मतलब मान के चलिए इनब्रीडिंग बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल मतलब है ही नहीं। बोलो अब यहाँ पे अगर ये क्या है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ये क्या है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कितना इनब्रीडिंग है, यहाँ पे 1 है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 0 मतलब बिल्कुल इनब्रीडिंग नहीं है, और 1 मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब बिल्कुल जो भी पेरेंट है उनके दोनों के जीनोटाइप सेम है। समझ में आया सभी को? देखो तो लिखा तो है नीचे, आप लोगों ने देखा भी नहीं था, 0 इंडिकेट मैटिंग इज ए लार्ज पॉपुलेशन इज ए रैंडम। मतलब अगर कोई पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग हो रही है तो हम 0 मान के चलेंगे, और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फिर हम उसको 1 मानेंगे। तो 1 इंडिकेट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ गए सभी लोग? 0 इंडिकेट द रैंडम मैटिंग, 1 इंडिकेट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको कैसे निकालते हैं ये देख लो, यहाँ ये तो कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, आपको पता है ना इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, लेकिन होमोजाइगोसिटी की परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही हाई रेट से बढ़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू द जनरेशन ऑफ द जनरेशन, अगर एफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। तो इस ग्राफ से क्या समझते हो, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द जनरेशन उतनी हाई होगी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एफ की वैल्यू 1 है तो हाई रेट से बढ़ रही है, एफ की वैल्यू 0.25 है तो थोड़ा सा स्लो रेट हो गया होमोजाइगोसिटी बढ़ने का, एफ की वैल्यू 0.0625 है तो थोड़ा और स्लो रेट हो गया। इसको भी आप समझ रहे हो ना? अब हम इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं, जरा ये समझ लो, ये है निकालने का तरीका। हो सकता है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट आ जाए लेकिन निकालने का पता नहीं, आपसे पूछे ना पूछे। तो क्या होता है हेटरोजाइगोट,
हेटरोजाइगोट अकॉर्डिंग द एच डब्ल्यू जी ई का मतलब क्या होता है, हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम माइनस हेटरोजाइगोट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई हेटरोजाइगोट एच डब्ल्यू जी ई। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हेटरोजाइगोट अकॉर्डिंग हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बेसिस पे कितने हैं, हेटरोजाइगोट वहां पे ऑब्जर्व कितने हैं डिवाइडेड बाई हेटरोजाइगोट एच डब्ल्यू जी ई, इससे आपका इनब्रीडिंग कोफिशियंट निकल जाएगा। बोलो निकाल, ये फार्मूला लिख लोगे इनब्रीडिंग कोफिशियंट का निकालने का। अगर इनब्रीडिंग कोफिशियंट की वैल्यू दी हो तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, टू पी क्यू माइनस टू एफ क्यू, ये क्यू स्क्वायर, ये आप लिखिए। कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इनब्रीडिंग कोफिशियंट तो जरूर लिख लीजिएगा। समझ में आया सभी को? तो ये आपका कंप्लीट हुआ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो मैं एक बार मैं वो कर देता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो इनब्रीडिंग एक प्रकार की SR2 मैटिंग है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स। इनब्रीडिंग अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। In this is increasing the homozygosity in the population, decreasing the heterozygosity in the population. Inbreeding के कारण जो recessive lethal की appearance है, recessive lethal का जो effect है, जो recessive mutation का effect है, वो बढ़ने लगता है या उसकी appearance बढ़ने लगती, जिसको बोलते हो inbreeding depression. Inbreeding बहुत more likely होता है small population में। इनब्रीडिंग के चलते जेनेटिक वेरिएशन लॉस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जनरेशन। जितना ज्यादा इनब्रीडिंग होगी जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही ज्यादा हाई रेट से लॉस होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था ऐसा हो जाएगा। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दो आइडेंटिकल एलील्स हैं, इसको इनब्रीडिंग कोफिशिएंट बोलते हो। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रेंज करेगी। 0 का मतलब होता है रैंडम, 1 का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा इनब्रीडिंग नहीं हो सकती। और 0 मतलब होता है कि रैंडम मैटिंग, तो इनब्रीडिंग खत्म ही हो गया ना। मान के चलिए जहां पे आप देखें जितनी ज्यादा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू है होमोजाइगोसिटी पॉपुलेशन उतनी रेट से बढ़ रही है, जितनी एफ की वैल्यू कम है उतना कम रेट से बढ़ रही है। मैं देख पा रहा हूँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हाई रेट है, सिबलिंग में थोड़ा सा कम है, फर्स्ट कजिन में क्या है और कम है। तो ये भी आप समझ गए अच्छी तरीके से। व्हेन इनब्रीडिंग अकर द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप विल बी, तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो कि आप आराम से, मैंने बता दिया है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, हेटरोजाइगोसिटी HWG माइनस हेटरोजाइगोसिटी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय हेटरोजाइगोसिटी HWG। HWG क्या है, हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी के साथ आपका एक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको सेलेक्शन। ये टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे आपको जब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे जो आपका है वो हम म्यूटेशन और रिपेयर वाला, ये म्यूटेशन वो नहीं पढ़ाएंगे डिटेल, म्यूटेशन पढ़ाएंगे जो जेनेटिक जो इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करता है उसके बारे में बताएंगे म्यूटेशन, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखें क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, दूसरा टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। क्या हो रहा, तुम लोग पेपर ऊपर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड लग रहा है, क्यों सीआर कुशनुमा आप हैं, थी तुम आज? यस सर। पेपर होंगे या नहीं? यस सर पेपर तो होंगे, होंगे ना। हाँ चलिए, सब लोग उदास उदास क्यों लग रहे हो? कॉलेज जाना, पेपर की टेंशन है। नहीं कॉलेज जाने को नहीं मिला। अच्छा पेपर की टेंशन है? यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम हो रहे ना, जो बाकी रह गए थे वो भी होंगे। यस सर। अरे तभी सेकंड सेमेस्टर का नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट के करवा देंगे, सेकंड नहीं करवाएंगे। हाँ अभी सब ऐसा विशाल सर ने बोला था। अच्छा तो बता दिया करो, सुख दुख हम भी बांट लिया करें बीच बीच में। और तुम शादी बहुत करा, मैंने बोला था शादियां जब आप हो तो शादी जाती हो। हाँ? सर भैया की शादी थी सबकी आपके, मतलब लग रहा कोई बचेगा नहीं, आप ही बचेंगी बाद में केवल। नहीं नहीं अब नहीं है सर।
फिर अगली शादी अपने शादी में जाएंगे ना सीधे। चलो चलो फिर कल हम लोग मिलेंगे म्यूटेशंस में बात करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। अरे गड़बड़ हुआ तुमको, चक्कर नहीं है? अरे वो रिकॉर्डिंग वालों फंसीगो को मैटर कहाँ फंसीगा साला। आ तो गया।